प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र किए वितरित, रोजगार मेले को किया संबोधित। भाजपा प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं पर प्रचार के दौरान विपक्षी राजनीतिक दल द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर मुख्य निर्वाचन कार्यालय में की गई शिकायत। कांग्रेस ने प्रदेश में केजी से लेकर पीजी तक सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की। भानुप्रतापपुर में राहुल गांधी की जनसभा। और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत प्रदेश के हर घर हर गांव से एकत्रित मिट्टी और चावल लेकर युवा नई दिल्ली रवाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अमृता शर्मा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। नवनियुक्त लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत प्रत्येक क्षेत्र में विकास कर रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित करने में मदद मिल रही है। पर्यटन और खेल क्षेत्र में विकास को उल्लेखित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। एथलीटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि यह खेल क्षेत्र के परिदृश्य में बदलाव का संकेतक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेला के माध्यम से अब तक लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कौशल विकास के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। आयोजित होने वाले रोजगार मेले युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। हमारी सरकार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर मिशन मोड में काम कर रही है। हम न सिर्फ रोजगार दे रहे हैं, बल्कि पूरे सिस्टम को पारदर्शी भी बनाए हुए हैं, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया पर युवाओं का भरोसा बना हुआ है। मेरे परिवारजनों, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक जरूरी कदम है। सरकारी कर्मचारी के तौर पर आपको ऐसी सारी योजनाओं को आगे बढ़ाना है, उन्हें जमीन पर लागू करना है। आज आप सभी राष्ट्र निर्माण की हमारी यात्रा में महत्वपूर्ण सहयोगी बनकर के हमसे जुड़ रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। रोजगार मेला देश भर में 37 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। नवनियुक्त लोग रेल, गृह, डाक विभाग, राजस्व और उच्चतर शिक्षा विभाग सहित कई मंत्रालयों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मनसुख मांडविया ने रायपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में जाकर आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। श्री मांडविया ने पत्रकारों को बताया कि भाजपा प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं पर प्रचार के दौरान विपक्षी राजनीतिक दल द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर शिकायत दर्ज कराई गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई क्षेत्र से हमें शिकायत मिली है। कई जगह पे सरकारी ऑफिसर भारतीय जनता पार्टी के झंडा लेके जाने वाली गाड़ी को रोक रहे हैं। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति हर किसी को वोट दे सकता है और ये हर नागरिक का अधिकार है कि वो कोई न कोई पॉलिटिकल पार्टी का चुनावी प्रचार भी कर सकता है, अपने घर पे झंडा लगा सकता है। पॉलिटिकल पार्टी किसी के अनुमति से उनके घर पे भी झंडा लगा सकती है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करने वाले या तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घर पे झंडा लगाते हैं,
उसको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। भारतीय जनता श्री मांडविया ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो केंद्रीय चुनाव आयोग के पास भी शिकायत दर्ज कराई जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में केजी से लेकर पीजी तक सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए 4,000 रुपये मानक बोरी और लघु वनोपज में न्यूनतम समर्थन मूल्य से 10 रुपये अतिरिक्त देने की घोषणा की। श्री गांधी ने ये घोषणाएं आज कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। श्री गांधी ने कहा कि किसी भी देश या प्रदेश की सरकार दो ही तरीके से चल सकती है, या तो सबसे अमीर व्यक्ति की मदद की जाए या सबसे गरीब व्यक्ति की, और हमारी सरकार गरीबों के साथ है। देखिए, सरकार चलाने के दो तरीके होते हैं। आप किसी भी सरकार को देखो, दो ही तरीके होते हैं। एक तरीका कि आप प्रदेश के या देश के सबसे अमीर लोगों को फायदा पहुंचाओ, और दूसरा तरीका आप देश के या प्रदेश के सबसे गरीब लोगों की मदद करो। श्री गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ पिछले चुनाव में किए गए वादों को पूरा किया है। ऐसी मीटिंग में 5 साल पहले हमने कहा था, जैसे हमारी सरकार बनेगी, समय नहीं लगेगा, एकदम जो हमने वायदे किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। और खुशी से मैं कहता हूं कि जिस काम को बीजेपी ने कहा था कि नहीं किया जा सकता, उस काम को हमने 2 घंटों में करके दिखा दिया पूरे प्रदेश को। जनसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव जीतने पर किसानों को भाजपा शासनकाल के दौरान रोके गए 2 साल का बोनस केंद्र की अनुमति मिलने पर तुरंत देगी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की मुफ्त शिक्षा और दूसरी घोषणाओं को भी दोहराया। बस्तर में आदिवासी मल्ल नक्सली बता के या तो फर्जी एनकाउंटर कर दे यात्री से, या फिर जेल के अंदर ठूस दे यात्री से, जमानत तक नहीं होती से सालों साल जेल में पड़े रही से। यहां के किसान मल्ल लगातार ठगे के काम, रमा सिंह केरी से 2100 रुपये क्विंटल में धान खरीदू, 300 रुपये बोनस हर साल दू, मिली से को जल्द 2100 खरीदे रही से बोनस, ऐसे रीसे कि चुनाव साल में बोनस और 3 साल कोनस, लेकिन डबल इंजन के सरकार बोनस काबर नहीं मिले रीसे। जब यूपीए के सरकार रीसे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री से, सोनिया जी यूपीए के चेयरपर्सन रीसे, वो समय किसान मल्ल 50 रुपये 1 साल प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस मिले रीसे, दूसरा साल 100 रुपये क्विंटल के हिसाब से बोनस मिले रीसे। लेकिन जैसे डबल इंजन की सरकार बनी 2014 में बोनस देना बंद, केंद्र सरकार ने भी बंद करा दी और राज्य सरकार ने भी बंद करा दी। ओकरे से 2 साल के तो मतलब बोनस नहीं मिले रही से, हम घोषणा कर रहे हैं कि 2 साल के बोनस हम देवो। विधानसभा में रमन सिंह हमला सवाल करते, मैं जन वादा कर रहे हैं 2 साल के बोनस दूंगी के, बोला थे कब पूरा करवे, मतलब वो वादा करी बोला हम पूरा करो, वो बोले तक लाज नहीं लगा थे। राहुल गांधी और भूपेश बघेल ने अपने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील भी की। प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक अर्जुन मुंडा के साथ कोरबा के भाजपा प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। कोरबा के घंटाघर से बड़ी रैली के साथ आम सभा को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने संबोधित किया। नामांकन के बाद मीडिया से चर्चा में केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में भाजपा की जीत को लेकर उम्मीद जताई। छत्तीसगढ़ में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ के कुशासन से, यहाँ के भ्रष्टाचार से, यहाँ के अव्यवस्था से और यहाँ के परिवारवाद से
जनता त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता समर्थन देने के मूड में है, उत्साहित है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। वहीं नामांकन दाखिले के बाद भाजपा से कोरबा विधानसभा प्रत्याशी लखनलाल देवांगन और तानाखार से प्रत्याशी रामदयाल उइके ने अपनी जीत का दावा किया। कोरबा जिला के हमारे चारों विधानसभा से हम लोग नामांकन सामूहिक रूप से भरे हैं और जनता का अपार समर्थन मिला। आज लगभग 25,000 लोग नामांकन रैली में आए। आज का जो माहौल था, भारतीय जनता पार्टी के चारों विधानसभा के प्रत्याशी एक बड़ा रैली के साथ मैंने पार्टी के निर्देशानुसार नामांकन दाखिल किए हैं। जीत सुनिश्चित है। जिस तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ा था, अपने साधन से खुद चलकर आए थे कार्यकर्तागण, पूरा आसपास के क्षेत्र वाले भी, ग्रामीण क्षेत्र से भी काफी लोग आए थे। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव के लिए 30 अक्टूबर तक नामांकन की अंतिम तारीख तय है, लिहाजा सभी राजनीतिक दलों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के तहत दुर्ग में आज भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प महासभा और नामांकन रैली आयोजित की गई। महासभा में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद शामिल हुए। इस दौरान दुर्ग जिले के सभी 6 विधानसभाओं के भाजपा प्रत्याशी भी मौजूद थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनकी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त शासन की हिमायती है। बेल मिला, जेल में है कि नहीं, कोर्ट तो कई बार गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह गए। आप कोर्ट जाइए, क्यों नहीं बेल मिलता? क्योंकि आपके खिलाफ गंभीर साक्ष्य। तो आप लूटिएगा, आप जनता को भ्रष्टाचार में परेशान करेंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, ये नरेंद्र मोदी की सरकार। राजस्थान में तो वहाँ लूट कम हुई है क्या? हर जगह हो रहा, वो नहीं होगा, कई लोग के खिलाफ हो रहा है जी। नहीं, हमने कहा पार्टी जीत के बाद पार्लियामेंट्री वोट तय करेगा और योग्य व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे यहाँ योग्यों की कमी नहीं है। सभा को सांसद विजय बघेल सहित भाजपा के प्रत्याशियों ने भी संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुनने बहिन, सरकार हा महतारी सम्मान योजना मा 500 रुपए दे के वादा करे रही, तोला अभी तक मिले ही का? मोला तो नहीं मिले है। हम मल्ला तो नहीं मिले, आप मल्ला मिले ही का? आप रही सही बो, बदल के रही बो। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर का रुख करते हैं और अब आपको बता दें कि रायगढ़ जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिले के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहां पहुंचे। श्री बघेल ने यहां आमसभा को संबोधित किया। आमसभा को संबोधित करते हुए श्री बघेल ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों का ऋण माफ करने के साथ ही गोबर खरीदी और दूसरी योजनाओं के जरिए जनता के हित में काम किया है और इसके साथ ही बेरोजगारों को भत्ता भी दी है। हर 15 दिन में बटन दबाता हूँ, गरीब गोबर बेचने वाले खाते में जाता है, वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले खाते में जाता है, हर महीने में हमारे बेरोजगार साथियों के खाते में पैसा जाता है, हर 3 महीने में किसान और मजदूर के खाते में पैसा जाता है, हर साल हमारे जितने लघु उन पर संग्राहक उसके खाते में पैसा जाता है। तो मैं एटीएम हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। श्री बघेल ने कहा कि वे अपने 5 साल के कार्यकाल में सर्वहारा वर्ग के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए हैं, जिसे देखते हुए जनता कांग्रेस को एक बार फिर मौका दे रही है। प्रत्याशी के नामांकन आम सभा में शामिल होने का अवसर मिला और रायगढ़ में बहुत उत्साह है, सभी में, किसानों में, मजदूरों में, युवाओं में, महिलाओं में काफी उत्साह है और चारों सीट फिर से हम जीतेंगे, ये विश्वास साथियों ने दिलाया है। बड़े बड़े नेता आ जाए, क्या फर्क पड़ता है यदि नीचे के कार्यकर्ता यदि सक्रिय नहीं है? सारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, सारे नेता निराश है भारतीय जनता पार्टी के, जो जान चुके हैं पिछले समय 68 जीते थे, इस समय तो 75 पार होंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने के लिए भी इस दिशा में आगे काम कर रही है।
राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न गांवों से एकत्रित मिट्टी की अमृत कलश यात्रा रायपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हुई। नेहरू युवा मंच के जिला युवा अधिकारी चंद्रभूषण चौबे ने बताया कि 7 जिलों से 46 युवा दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान देने के उद्देश्य से मेरी माटी मेरा देश के तहत पूरे देश से मिट्टी इकट्ठा कर नई दिल्ली में शहीद स्मारक का निर्माण किया जाएगा, जो आने वाली पीढ़ियों को शहीदों की याद दिलाता रहेगा। 7 जिलों के यहाँ पे संपर्क क्रांति से 46 बच्चे का पहला कंटिंजेंट दिल्ली कल पहुँचेगा, जिसमें राजनांदगांव, दुर्ग, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, रायपुर और धमतरी के बच्चे सम्मिलित हैं। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, जो 31 तारीख को प्रधानमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में जो अमृत वाटिका निर्माण होना है कर्तव्य पथ पे, उसके लिए ये लोग अपने सारे ग्राम पंचायतों से ब्लॉक लेवल के जो कलश हैं उनको लेकर ये दिल्ली पहुंचेंगे। युवाओं ने बताया कि माटी के वीर सपूतों के सम्मान में वाटिका निर्माण के लिए जो मिट्टी एकत्रित की जा रही है वह उनकी स्मृतियों को अक्षुण्य रखेगी। एक कलश, अमृत कलश लेके दिल्ली के लिए यात्रा करने जा रहे हैं। हमारा ये जो कलश है, हमने ग्राम ग्राम से मिट्टी एकत्रित की है इस कलश में। हर ग्राम, ये हमारा जो कार्यक्रम है वो विभिन्न स्तरों पे हुआ था। हमने 75 पौधे रोपण भी किए थे, हमने पंचप्रण की शपथ भी ली थी, और आज हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हम सब ये छत्तीसगढ़ की टीम, जो अभी पहली जो हमारी ट्रेन है संपर्क क्रांति, तो हम 46 लोग हैं जो आज दिल्ली के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। हमारी 106 लोगों की टीम। और गौरतलब है कि नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। इस बीच रायपुर से अमृत कलश लेकर युवाओं का दूसरा दल भी आज शाम दिल्ली के लिए रवाना हुआ। युवा अधिकारी अर्पित तिवारी ने बताया कि 206 युवाओं का दल 146 कलश लेकर अमृत वाटिका निर्माण में सहयोग करने दिल्ली जा रहा है। युवा हर जिले, हर विकास खंड और हर गाँव की मिट्टी लेकर देश की राजधानी पहुँच रहे हैं। 206 युवा शामिल है, हर जिले से प्रतिनिधित्व हो रहा है, हर विकास खंड से प्रतिनिधित्व हो रहा है, और 206 युवाओं के साथ 146 कलश भी जा रहे हैं, जहां पे हर गांव की मिट्टी दिल्ली तक पहुंचाई जा रही है, हर गांव का प्रतिनिधित्व दिल्ली में होगा। वहीं विभिन्न जिलों से कलश ले जाने वाले युवाओं ने कहा कि दिल्ली में पहुंचने पर वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होने पर सभी युवाओं ने अपने आप को गौरवान्वित बताया। पूरे छत्तीसगढ़ से गांव-गांव में घर घर जाकर सारे एनवाबी और जो युवा मंडल के जो युवा साथी है सब मिलकर घर घर से उनके घर की मिट्टी और चावल इकट्ठा करके लाए हैं, और आज हम दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं रायपुर से। वहां पे राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरे भारत के हर एक छोटे गाँव ब्लॉक से सारे बच्चे अपने एक मटकी पे अपने यहाँ से माटी एवं चावल लेकर कर्तव्य पथ की ओर निकल रहे हैं, जहाँ पे 30 और 31 अक्टूबर को कर्तव्य पथ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। इसका उद्देश्य है कि एक जगह पे सारे देश अपनी जगह की माटी एवं वीरों के वंदन, जिस भी जगह पे वीर शहीद हुए हैं वहाँ की भी माटी हम लेके गए हैं, उनका सम्मान करें हैं वहाँ पे जाके। ये बहुत बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम होगा। मेरी माटी मेरा देश नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री के जी के द्वारा ये एक चलाया जा रहा कार्यक्रम है, जिसमें इसका एक टैग लाइन है कि माटी को नमन वीरों का वंदन। इसमें वीरों के वंदन के लिए इंडिया गेट के सामने में एक अमृत वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। बताया गया कि युवाओं का एक दल कल नई दिल्ली के लिए रवाना होगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मैं सुनी हूं इस कांग्रेस सरकार में तेंदुपत्ता बोनस मिल रहा है, तुम्हें मिला क्या? नहीं, तुम्हें मिला है? नहीं। रुक, मैं सरिता दीदी से पूछती हूँ। सरिता दीदी, तुम्हें तेंदुपत्ता बोनस मिला क्या? मोला तो नहीं मिली थी। मुझे तो नहीं मिला। पहले की भाजपा सरकार में तो मिलता था, अब इस सरकार में नहीं मिलता। तेंदुपत्ते का बोनस हमें तो नहीं मिला, आपको मिला है क्या? ब्रेक
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में देश भर में मील का पत्थर साबित हो रही है, लेकिन केंद्र की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर प्रदेश में काफी असंतोष नजर आ रहा है। वहीं राजनीतिक दलों के भी अपने अपने तथ्य और कथ्य हैं। प्रदेश में इस योजना की जमीनी हकीकत की पड़ताल करती पेश है एक रिपोर्ट। तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए तो तुम्हें हम नजर नहीं आते। रायपुर के दतरेंगा गांव की महिलाओं की कुछ ऐसी ही कहानी है। एक अदद छत की आस में आंखें पथरा गईं। दुर्गा यादव कहती हैं, 2011 की जनगणना सूची में बाबूजी का नाम तो था, नहीं पता अब तक आशियाना क्यों नहीं मिला। चंपा देवी कहती हैं कि 4 बेटे हैं, 20 सदस्यों का परिवार है, कितनी बार फोटो खींच कर ले गए लेकिन मकान नहीं मिला। 2011 की जो जनगणना सूची है ना, उसमें हमारे बाबूजी का जो नाम था वो अभी तक मतलब आया नहीं है, और मतलब 2-3 बार हो गया, आता है और रिजेक्ट हो जाता है। काई स्थिति है, दे घर कुरिया नहीं है, कुंदरा बरोबर हावे, 4 बेटा है, 4 बेटा का परिवार है, हैं और ये देखा ठन खोली महावे फोटो खींच के ले गए है, अब वो कुछ नहीं बात आए फोटो खींच के ले गए है। इन महिलाओं को कैसे पता होगा कि उनके छत को राज्य की भूपेश सरकार ने बनने से पहले ही जमींदोज कर दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना से छत्तीसगढ़ में 16 लाख ग्रामीण और 5 लाख शहरी मकान बनाने को मंजूरी मिली। मकान निर्माण के नाम पर केंद्र की तरफ से 12,000 करोड़ रुपए की राशि भी आई, लेकिन राज्य सरकार अपना 40% हिस्सा देने से मुकर गई और केंद्र का पैसा वापस लौट गया। भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल कहते हैं, राज्य की गरीब के साथ धोखा हुआ है, ये कांग्रेस का कलंक है। देखिए, सिर्फ 16 नहीं है, 16 तो ग्रामीण है और 5 लाख शहरी है। 21 लाख लोगों के सर से छत छीनने का काम किसी ने किया तो ये कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल पंजा छाप ने किया है। और ये तो पाप है कि गरीब का सपना होता है कि मेरा जीवन में एक मकान बन जाए और मोदी जी उसके लिए 2.5-2.5 लाख रुपए दे रहे हैं। बीजेपी की सरकार के समय 7 लाख मकान बने, 16 लाख मकान बाद में सैंक्शन हुए, 12,000 करोड़ रुपए आया, परंतु राज्य सरकार ने अपना शेयर नहीं दिया और इसलिए वो वापिस चला गया। साल 2022 में आवास के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच तनातनी भी हुई। अपनी साफ गोई के लिए मशहूर टीएस सिंहदेव अपना 40% हिस्सा देकर गरीबों का घर बसाना चाहते थे, लेकिन भूपेश सरकार टस से मस नहीं हुई। आखिरकार 16 जुलाई 2022 को टीएस सिंहदेव ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद भी रकम की अनुशंसा नहीं हुई। अब जाकर कांग्रेस सरकार राज्य में 17.5 लाख मकान देने का वादा कर रही है। आज जो 17.5 लाख हम मकान दे रहे हैं वो राज्य सरकार के संसाधन से दे रहे हैं। 7 लाख लोगों को उनके खाते में राशि जा चुकी है और बाकी लोगों को हमारी सरकार बनने के बाद उनके खाते में राशि दी जाएगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि केंद्र राज्य की खींचातानी में छत्तीसगढ़ की जनता का नुकसान हुआ। जहां तक बात कांग्रेस की तरफ से 17.5 लाख मकान देने की है, जब कांग्रेस केंद्र को अपना हिस्सा नहीं दे पाई फिर मकान बनाकर कैसे दे पाएगी। मिलाकर जब दो विपरीत दलों की सरकार केंद्र और राज्य में होती है तो उसकी कीमत जिस रूप में चुकानी पड़ती है उसका ये एक उदाहरण है। दो दलों के बीच का संघर्ष था, किसको लाभ मिले, किसको इसका यश मिले, इसको लेकर संघर्ष था और कुल मिलाकर आवास नहीं बने, ये एक सच्चाई। कांग्रेस कहती रही कि योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना है तो पूरा पैसा केंद्र दे, अब चुनाव है तो जनता पूछ रही है कि कितनी बार फोटो खिंचवा दिए, मेरे मकान का क्या हुआ। तमाम उम्र बीत जाती है एक आशियाना की तलाश में, और अगर हम बात छत्तीसगढ़ की करें तो ऐसे 16 लाख लोग हैं जो एक अदद छत की तलाश से दूर रह गए। इस मौके पर गुलजार साहब का वो गाना याद आता है, एक अकेला इस शहर में धूप और दोपहर में आबोदाना ढूंढता हूँ, आसियाना ढूंढता हूँ।
कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज। जिला मुख्यालय जांजगीर में भाजपा ने नामांकन रैली निकाली। रैली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया शामिल हुए। इस दौरान जांजगीर चांपा के प्रत्याशी नारायण चंदेल, अकलतरा प्रत्याशी सौरभ सिंह और पामगढ़ प्रत्याशी संतोष लहरे उपस्थित रहे। नैला से भाजपा की रैली निकली जो नेताजी चौक होते हुए कचहरी चौक पहुंची। यहां आम सभा हुई जहां भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन किया। यहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अब नई सहिबों के नारे के साथ भाजपा के पक्ष में माहौल बताया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नारायण प्रसाद चंदेल जी के साथ हमारे प्रत्याशियों का नामांकन भरने की विधि में मैं शामिल हुआ। यहाँ के जनता का जुस्सा मैंने देखा, उत्साह मैंने देखा। जिस तरह से राज्य में बदलाव का माहौल बना है, जनता बदलाव चाहती है। वहीं प्रत्याशियों ने भी केंद्र सरकार और प्रदेश में पूर्ववर्ती भाजपा शासनकाल में किए गए विकास कार्यों के आधार पर अपनी अपनी जीत का दावा किया है। पार्टी की आज विशाल रैली निकली जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नागरिक सभी शामिल थे। हमारी अपेक्षा से भी अधिक सफल था वो कार्यक्रम। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और ये भीड़ जो है वो परिवर्तन का संकेत है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार है उसकी विदाई तय है। जनता के साथ जनसंपर्क चल रहा है और जनसंपर्क तो हमारा काम है, ये आज का बात नहीं है। लगातार 15 साल से जनता के साथ जनसंपर्क चल रहा है। तो चुनाव आ गया तो कोई विशेष जनसंपर्क करना है ऐसी कोई बात नहीं है। लगातार उनके साथ संपर्क में रहते हैं, उनके सुख दुख को पूछते रहते हैं, उनके बीच में जाते रहते हैं। उसी गाड़ी में फिर जा रहे हैं। पहले सुख दुख सुनने जाते थे, उनके समस्या का निराकरण करने जाते थे, इस बार वोट मांगने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार से लोग नाखुश हैं। आवाज़ आशा भरी निगाहें से देख रहे हैं कि इस बार पुनः भाजपा को लाना है और भाजपा उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में सभी दलों के प्रत्याशियों द्वारा सघन प्रचार किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में सरगर्मी तेज है। कांग्रेस और भाजपा के अलावा इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, हमर राज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसे दल भी अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। माना जा रहा है कि ये छोटी छोटी पार्टियां इस बार के चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकती हैं। चुनाव से पहले बहुत से असंतुष्ट नेता भी कांग्रेस और भाजपा का दामन छोड़ इन पार्टियों में चले गए हैं, तो कई निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग नेताओं का प्रवेश हुआ है। इनमें सरायपाली के विधायक किस्मत लाल नंद, रायगढ़ के पूर्व महापौर मधु किन्नर, गोरेलाल बर्मन जैसे अनेक नाम शामिल हैं। जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि इन नेताओं के प्रवेश से जेसीसीजे में मजबूती आई है और आगामी चुनाव में इसी विश्वास के साथ वे उतरने वाले हैं। कांग्रेस और भाजपा ने ठगा लिया, अब लोग दिल्ली के नेता वाली सरकार में छत्तीसगढ़ के बेटा की सरकार चाह रहे हैं। दोनों जब दल हमारे छत्तीसगढ़ को देखते हैं तो उनका अपना कमीशन दिखता है, मिशन और विजन समझ में नहीं आता। अभी 3 महीने पहले तक जो लोग ये मान रहे थे कि जोगी जी के स्वर्गवास के बाद हमारी पार्टी अनाथ हो गई, हम कमज़ोर हो गए, जो हमें कम आंकड़े थे उन्होंने देख लिया पिछले 2 महीने में, जिस प्रकार से जगह जगह पाटन से लेकर पटनम तक, कोटा से लेकर कोंटा तक, बलरामपुर से लेकर बीजापुर तक हमारे को जो जन समर्थन मिला है, जैसे लोग मेरे पिताजी को देखने सुनने आते थे, उनको प्यार करते थे, वैसे ही प्यार उनके बेटे को मिल रहा है। और आज हमारे पास भले सत्ता ना हो, भले पैसा ना हो, पर उन दोनों से बड़ी ताकत जनता का। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।